एंडरसन एंडरसन हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, Anderson नहीं आ रहा है एंडरसन वेयर आर यू इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है Hindenburg का नाम सुना आपने हिंडनबर्ग का हिंडनबर्ग का नाम सुना आपने क्या हिंडन एक नदी है जिसमें नाला गंदा पानी सब चीज है. नमस्कार मैं रविश कुमार ये जो आप देख रहे हैं ये हिंडन नदी का इलाका है और नाले की शक्ल में जो ये पानी की धारा है वो हिंडन नदी का पानी है जिसमें शहर का नाला भी मिला ही होगा आपको राजनीति सिखाती है कि कोई एक नदी साफ़ की जा रही है मगर ये देख लीजिए कि दिल्ली के किनारे बिल्कुल गाजियाबाद की ये नदी है हिंडन नदी तो मैं हिंडन नदी क्यों आया हूँ क्योंकि मुझ पर आरोप लगा है कि मैं हिंडनबर्ग के दफ़्तर में सात बार गया हूँ ये चल रहा है जब से अदानी का प्रसंग आया है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट न्यूयॉर्क से आई है अब आप देखिए मैं कितनी अफवाहों को पढ़कर बताऊं। बताऊँ ये कोई अभी अठावले साहब हैं इन अपने ट्विटर हैंडल से अंग्रेज़ी में लिखते हैं कि तीन मिनट में मेरा बैकग्राउंड आप जान लें कि मैं एंटी इंडिया जर्नलिस्ट हूं और जब अदानी ने निकाल दिया तो एन के लेने के बाद तो मैं न्यूयॉर्क गया और एक महीना रहा तो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहा हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क में मैं गया तो हूँ लेकिन वहाँ तो हम कभी हिंडनबर्ग का नाम ही नहीं जानते थे ना उसका दफ्तर खोज पाए थे तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हिंडन नदी के किनारे सतयुग से ही अभी से नहीं सतयुग से ही मैं हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहा हूँ पर मुझे क्या पता था कि हिंडनबर्ग का दफ्तर हिंडन नदी के किनारे नहीं न्यूयॉर्क में है और वहाँ कोई सतयुग का काम कर रहा है सत्य का पता लगा रहा है तो ये आप सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये कोई अरुण राणा है वो भी लिख रहे हैं ये बात कि कोई मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मुझे हंसी आ रही है फिर कोई सात्विक हैं वो वो उन्होंने लिखा है कोई शैलेश पांडे हैं उनका ट्वीट है कोई विनी कोहली हैं हाँ कि मैं इस फियासको का सबसे बड़ा बाप हूँ कमाल है मतलब मेरे पीछे कितनी इंडस्ट्री इनकी लगी हुई है आप देखिए तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं एंडरसन एंडरसन हम एंडरसन को पुकार रहे हैं एंडरसन नहीं आ रहा है एंडरसन वेयर आर यू इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है एंडरसन हिडनबर्ग हिंडन नदी के किनारे हिडनबर्ग एंडरसन वेयर आर यू एंडरसन तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है तो इस तरह से आप देखिए कि कितनी अफवाहें मेरे बारे में उड़ाई जाती हैं कभी पैसे को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर जिनसे मेरा कभी रबता नहीं कभी कोई वास्ता नहीं तब भी है जबकि इस नदी के किनारे आना चाहिए आप पुरानी खबरों को उठा देखिए कितना कुछ है हिंडन नदी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हिंडन वर्ग के को लेकर मुझे मेरे बारे में अफवाह उड़ाई उसी बहाने मैं हिंडन नदी आ गया और ये 15 दिसंबर 2022 की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि हाउ टू क्लीन अप पॉल्यूटेड हिंडन रिवर वो भी है टेंड्रेंस डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इन टू द हिंडन रिवर बताइए दस दस नाले गिर रहे हैं जिसमें कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है सिर्फ एक नदी यहाँ गंगा तो नहीं है गंगा भी गंगा कि सफ़ाई को लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत सारी बहसें हो रही हैं वहाँ भी एस का काम ठीक नहीं है अगर उसी सिर्फ उन गंगा को ही प्राथमिकता दी गई है तो उनकी सफ़ाई का भी काम ठीक से नहीं हो रहा है तो ये स्क्रोल में भी छपा हुआ है कि यूपी से दिल्ली तक ये जो टॉक्सिक हिंडन रिवर है वो लोगों को बीमार कर रही है बहुत सारी खबरें हैं कि हिंडन जो है इसके आसपास रहने वाले लोग हैं वो बहुत इसके प्रदूषण से प्रभावित हैं इस तरह की खबरें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ लेकिन आप सोचिए कि अदानी के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट आती है मामला बड़ा है उसके भीतर क्या आरोप है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है लेकिन पूरा एक तंत्र आईटी सेल का तंत्र लग जाता है ये बताने में कि इस पर आप यकीन ना करें क्यों यकीन ना करें क्योंकि रवीश कुमार जो एक इनके हिसाब से एंटी इंडिया जर्नलिस्ट है वो हिंडनबर्ग के दफ्तर में गया है और सात बार गया है दो दो घंटे का की उसकी बैठक हुई है और उसने ये रिपोर्ट तैयार की है इस तरह की बातों पर ये लोग चाहते हैं कि आप यकीन करें वो ये नहीं चाहते कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें कि इस देश में हो क्या रहा है वो ये नहीं चाहते कि आप इन सवालों को पूछें कि दुनिया भर में भारत की साख दांव पर लगी हुई है और भारत की एजेंसियां कुछ बोल नहीं रही हैं क्या आप धर्म की राजनीति में ये सब देखना बंद कर देंगे आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार का कथित तौर पर इतना बड़ा आरोप लगा है आप बिल्कुल वो नहीं देखेंगे लाखों करोड़ के आरोप लगे हैं ऑफ कंपनियों शेल कंपनियों के आरोप लग रहे हैं उसे छोड़कर आपके लिए ये बड़ी बात हो सकती है कि मैं गया था उसके दफ्तर में और मैंने जाकर वो रिपोर्ट तैयार करवाई है सात बार मिला हूँ और ये क्या कोई खुशी की बात है कि मुझे निकाल दिया गया ये तो शर्म की बात है मैंने तो वैसे भी मैंने तो इस्तीफा दिया था निकाला तो किसी ने भी नहीं था तो सवाल सरकार से होना चाहिए बदनाम मुझे किया जा रहा है तो जो राइट विंग आई सेल है वो लिख रहे हैं कि रवीश कुमार का बड़ा इसमें रोल है और वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है मुझे काफ़ी हंसी आई बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप हिंडनबर्ग के दफ्तर कब गए थे तो मुझे लगा कि ये सवाल आ कहाँ से रहा है तो मैंने कहा भाई मैं तो हिंडन नदी के किनारे रहता हूँ और बहुत दिनों से गया नहीं हूँ तो आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हिंडन नदी का हाल क्या है ये हाल है इसका